हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा बढ़िया चैप्टर, वो क्या है, मोशन। क्या है? मोशन। तो आज हम सीखेंगे ना मोशन क्या होता है, गति। गति क्या होती है ना, आज मजा आएगा पढ़ने में। क्या आएगा? मजा। ठीक है, तो एकदम हमारे साथ तैयार रहिए है ना पूरा इस चैप्टर का मजा उठाने के लिए, है ना। और आपके है ना सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, प्लस न्यूमेरिकल भी हम साथ में करेंगे। सोचो आपको है ना उतना ज्यादा क्लास में नहीं कराया जाता जितना आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस। समझाऊंगा ना ऐसे और एकदम सीधा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहना। तो अभी क्या होता है ना, बच्चे है ना 8th से है ना 9th में आते हैं, तो उनके थोड़े से है ना साइंस वाले पोर्शन थोड़े वीक होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, है ना। मैं हूं तो हर चीज है, ध्यान रखना, मजा आएगा आज पढ़ने में, है ना। तो आप है ना जब भी आप इसको पढ़ाई करें, है ना, जब आप पढ़ने आए हैं ना, तो आप जरूर एक नोटबुक और एक पेन, ऐसे हमारी तरह, है ना, जैसे मैं लेके आया हूँ पेन, वैसे आप भी लेके आओ। ठीक है, और एक नोटबुक ले आओ, हमारे लिए है ना लिखने के लिए ये है। तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, लिखने के लिए होना चाहिए। मजा आएगा जब दोनों तरह से, है ना, दोनों तरह से। ठीक है, यानी कि आपके तरफ से और हमारे तरफ से तालियां बजे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो आओ समझते हैं मोशन। देखिए, समय तो चलता रहता है, समय के साथ और कुछ चीजें चलती हैं, समय के साथ और कुछ चीजें चलती हैं, आपको भी पता है। ठीक है, आज उसी को हम सीखेंगे, है ना। कुछ चलती हैं और कुछ समय के साथ नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट होंगे, किसके, मोशन के होंगे, है ना, गति के बारे में। तो देखिए, गति होता क्या है, गति होता क्या है, तो देखिए गति जो होती है ना, ये कहता है कि वस्तु हो गया कोई एक, है ना, जैसे ये ट्रेन बस है, हो गया, है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आदमी को खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब मान लीजिए बस है ना रुकी हुई है, तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, इसके दूरी में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो, समय के साथ किसमें, स्थिति में परिवर्तन ना हो, मतलब ये जो वातावरण है समय के साथ परिवर्तन ना हो, स्थिति ना बदले, है ना, तब तो आपका हो जाएगा स्थिर अवस्था। लेकिन ध्यान रखना, मतलब वो रुका होगा ना, लेकिन अगर ध्यान रखना कि ये स्थिति बदलता जाए, थोड़ा कुछ दूर जाने पर ये दूरी और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। ठीक है, तो ये दूरियां जो बढ़ रही है ना, स्थिति बदल रही है। क्या बदल रही है? स्थिति किसके साथ? समय के साथ। तो ध्यान रखना, समय के साथ अगर स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन, उसी को कहते हैं वस्तु किसमें होगा, गति अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी? गति अवस्था में होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, गति अवस्था। कौन सी अवस्था? गति, गति कहते हैं। हमारे साथ फिर से बोलो, अगर समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। फिर से, मजा नहीं आया? अगर समय के साथ वस्तु के स्थिति में क्या हो, परिवर्तन, पोजीशन में क्या हो, परिवर्तन, चेंज आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोलो, क्या कहेंगे, मोशन। क्या कहेंगे? मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर ये बस चल रहा है, मान लीजिए इसके सापेक्ष है ना, तो दूरियां बदलती जाएंगी। जब दूरियां बदलती जाएंगी ना, तो ध्यान रखना, जब दूरियां बदलेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। बात करें मूल बिंदु, देखिए ऐसा होता है ना, किसी चीज को है ना देखने के लिए, है ना, एक पॉइंट होना चाहिए, वहां पे खड़ा होना जरूरी है। ठीक है, हम मान लीजिए आपको देख रहे हैं, तो भाई यहां से है ना मैं डिसाइड करूंगा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लास में ना एक टीचर खड़ा है, जैसे मैं हूं, है ना। अब आप अगर सीट पर बैठे हैं, तो मैं आपको है ना यहां से खड़े हो गए तो बताऊंगा आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यानी कि बताने वाला मैं हूं कि नहीं हूं, वही मूल बिंदु होता है। यानी कि किसी के बारे में कुछ बात कहने के लिए, समझने के लिए एक ऐसा बिंदु होना चाहिए, एक ऐसा क्या होना चाहिए, बिंदु, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्देशांक बिंदु, जहां से किसी वस्तु के स्थिति के बारे में बात की जाती है, वही आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। वही क्या होता है, मूल बिंदु होता है। देखो ये सब चीजें ऐसे बिखरी पड़ी हुई हैं, है ना, आ जाओ। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर है ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विरामावस्था होता है, एक गतिज अवस्था होती है। एक विरामावस्था होती है, एक कौन सी अवस्था होती है, गतिज अवस्था होती है। बोलो बोलो, कौन सी अवस्था होती है, गतिज अवस्था होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना सब चीजें। हाँ ठीक है, ऐसा हुआ थोड़ा सा कुछ गिर गया हमारे मोबाइल से, ऊपर लगा था। तो भौतिक अवस्था क्या होती है,
भौतिक अवस्था वो होती है जहां पर जिस चीज को हम देख करके है ना बातें हम डिसाइड करें, है ना, वो आपकी क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है। आप बैठे हो, मैं चल रहा हूं, ये भौतिक अवस्था है, ठीक है। अब भौतिक अवस्था के अंदर उस चीज को हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, फीलिंग मस्ट है, ठीक है, आना चाहिए पूरा फील। गतिज अवस्था, भाई विरामावस्था क्या होती है, विरामा का मतलब होता है रुकना, विरामा का मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है। अब बताओ आप यहाँ पे ऐसे बैठे होते बढ़िया से, ऐसे करके, अब अगर आप यहाँ पे बैठे होते, ठीक है, तो बताओ आपके सापेक्ष है ना, क्या इसमें कोई परिवर्तन होता समय के साथ, नहीं। अगर 1 मीटर पर है तो 1 मीटर पर रखा होता, ये बुक है, आपके सापेक्ष 2 मीटर पर रखा है तो 2 मीटर पर रखा होता। क्या वस्तु के सापेक्ष इस वस्तु में है ना कोई परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, नहीं। तो ध्यान रखना, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, वस्तु के साथ वस्तु मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, है ना, तो उसी को हम कहते हैं विरामावस्था। जैसे मेज पर बुक रखी है, देखो ये आपकी बुक है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना, जब एग्जाम आता है ना उससे 1 दिन पहले पढ़ते हो ना, हाँ बहुत अच्छे इंसान हो आप, मुझे पता है सब, ठीक है। कल आपका एग्जाम है तभी तो पढ़ने आए हो, वैसे पढ़ना होता कहाँ पढ़ लेते, है ना। टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, परेशान ना हो, मैं हूं ना। देखिए गतिज अवस्था, गतिज का मतलब होता है गति करना, ऐसे दौड़ना दौड़ना, ठीक है, आप भी दौड़ लिया करो थोड़ा, ठीक है। तो जब समय के साथ है ना, जब समय के साथ है ना वस्तु, समय के साथ लिखना था यहाँ पे, समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज अवस्था है। ये आदमी अरे क्यों बोल, ये उड़ रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये भी पड़ पड़ उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो ये सब गति में है, किसमें है, गति में हो है, ठीक है। समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन, जैसे मैं ऐसे ऐसे डांस करूं, ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा होगा, बोलो बोलो, गति अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, गति अवस्था में। गति के प्रकार की बात करें, है ना, अब देखिए गति के प्रकार जितना लिखा दो उतना ही कम है, बट आपके लिए है ना कुछ है यहाँ पे स्पेशल, ठीक है। बात करें पहला रैखिक गति, देखो अगर कोई ट्रेन है या कोई वस्तु है सीधा ऐसे गति करे, ठीक है, जब कोई कण या कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे क्या करती है, गति करती है। जब कोई वस्तु है ना एक सीधी रेखा पे क्या करती है, गति करती है ना, या वक्र हो जाए, तो ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं, या रेखीय गति बोल लो या रैखिक गति बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें वस्तुएं सीधी रेखा या वक्र पर चलती हैं, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, ये आपका बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है, ठीक है, तो इससे जब गोली निकलती है तो कैसे जाती है, सीधी तो जाती है, ये बंदूक की गोली है ना इस लैला मजनू के दिल को तोड़ देती है ना, तो सीधी जाना है ना, ऐसी गति को क्या कहते हैं, बोलो, रैखिक गति कहते हैं। अगला नेक्स्ट समझते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय का मतलब आपने सुना होगा, जो सन होता है ना, सन, ठीक है, मतलब सन का मतलब क्या, सूरज, ठीक है, सूरज चांद सितारे, हाँ, तो जो सन है, ठीक है, मान लीजिए हमारा खोपड़ी है ना, खोपड़ा, ये सन है और ये आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ, तो ये ऐसे ऐसे गति करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ ऐसे ऐसे गति करती है, तो ऐसे ही आपका सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये अर्थ की जो गति होती है ना, ये वृत्तीय गति होती है। तो इसमें वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर क्या करती हैं, गति करती हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह जाते होंगे घूमने, ठीक है, हाँ जाते, तो जाते कहाँ हैं, और ये मान लीजिए आप हैं इस ट्रैक पर चलना, ठीक है, घर में है ना थाली है, तो ये थाली वाला स्ट्रक्चर या गिलास वाला स्ट्रक्चर गोल सा होता है ना, इसी को कहते हैं वृत्ताकार पथ। क्या कहते हैं, वृत्ताकार, ऐसे बड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं, वृत्ताकार पथ। अब इस पे दौड़ने चले जाओ तो ये आपकी कौन सी गति बन जाएगी, वृत्ताकार गति हो जाएगी, उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दोलनी गति की बात करें, ऑसिलेटरी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ना किसी को मार दो, उसका हाथ ये टूट गया, अब है ना जब उसको झुलाओगे है ना, तो जे ऐसे ऐसे झूलेगा, ठीक है, तो ये जो गति है, ठीक है, इस तरह से जो गति है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे गति करना,
ठीक है। तो ये आपकी कौन सी गति होती है? दोलनी गति होती है। इसमें क्या होता है, एक बिंदु जो होता है ना निश्चित होता है। ये जैसे जैसे ये घड़ी है ना, घंटे में ये है, ठीक है, पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलम, ठीक है। तो ये पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे टन 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 गति करता है ना, कुछ इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, बोलो। हाँ, कौन सी गति? दोलनी गति। आगे बात करें आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है? कभी ऐसे झूले हो, है ना, झूले हो कि नहीं झूले हो? सावन के महीने में, हाँ सावन के महीने में ज्यादा चलता है ये वाला झूला, है ना। तो इस तरह की जो गति होती है, ठीक है, इसमें वस्तु तो अपनी गति को, है ना, समय के निश्चित अंतरालों पर क्या करती है? दोहराती है। लड़का खिलाते हैं ना झूला, भाई लड़का जो होता है छोटा सा, उसको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? ऐसे ऐसे ना रो ना रो ना रो ना रो, अले ले ले ले, है ना। ये जो गति है ना, कौन सी गति होती है? आवर्त गति होती है। कौन सी गति होती है? आवर्त गति होती है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। उसी पाथ पे खटाखट दोहराना, ठीक है, झूले की गति। त्यों त्यों त्यों, सिलाई की मशीन, है ना, जो सुई होती है ना, खचाखच खचाखच, ऐसे तो करता है। आगे नेक्स्ट, मूल भौतिक राशियां। देखिए, ये वह राशियां होती हैं, ये वह राशियां हैं, राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। अब नहीं करती हैं तो भाई, नहीं करती हैं तो क्या करें, बोलो बोलो क्या करें? नहीं करती हैं तो भाई नहीं करती हैं, जैसे बताओ, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। होते हैं सात, बट हम दो तीन लिखेंगे यहाँ पे। आपके होते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई। क्या? लंबाई। समय, हमें जानते हैं ना, ताप हो गया, ठीक है, वैद्युत धारा हो गई, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्या बताओ, लंबाई को, द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं? नहीं। लंबाई को समय में बदल सकते हैं? नहीं। समय को ताप में बदल सकते हैं? नहीं। क्या ताप को विद्युत धारा में बदल सकते हैं? विद्युत धारा में बदल सकते हैं? नहीं। तो ये जो लिखे हैं ना, ये सब आपके क्या होते हैं, बोलो? मूल राशियां होती हैं, मूल भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। आगे बात करें भौतिक राशियों का विभाजन, ठीक है। ये दो तरह से किया गया, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है, लिख लेंगे, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो। ये वह राशियां हैं, ठीक है, लिखो, वह भौतिक राशियां जिनमें केवल केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, बात समझो। अरे यार, लिख लिया करो, ठीक है। अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है। अब बात समझना, वह राशियां जिनमें केवल क्या होगा, बता दो इस जमाने को, बताओ बताओ, क्या बताऊं, बता दो इस जमाने को। वह राशियां जिनमें क्या होती हैं, बोलो? परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारे पास है ना, ये रिमोट है ना, कितना होगा ये? 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये 20 जो नंबर है ना, ये आपका परिमाण है, ठीक है। क्या है? परिमाण। ये मान लीजिए 100 ग्राम का है, कितने का है? 100 ग्राम। ये 100 जो है ना नंबर, यही परिमाण होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट समझना, जो सदिश राशियां होती हैं, इनमें दिशा होती है, ठीक है, और परिमाण होता है, ठीक है। क्या होता है? परिमाण। आप ये हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो आपके जाने का रास्ता ऐसे था, लेकिन आपने कहा कि सर देखो, यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो हमारा घर जो पड़ेगा वो 3 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन अगर सीधा देखा जाए तो वो 2 किलोमीटर है। तो आपने हाथ ऐसे उठा के बोला कि सर वो रहा हमारा घर, ठीक है, इस दिशा में है। पूछा गया भाई किस किस दिशा में है, तो आपने बोला उस दिशा में है, ठीक है। ये हाथ शो करना ही क्या है? परिमाण है। हाथ मतलब दिशा शो करना, आपने अपना हाथ उठाया ऐसे, ठीक है, ये दिशा दे दी है ना अपने घर की,
तो मतलब कुल मिलाकर के परिमाण के साथ साथ क्या आ जाए, उस नंबर के साथ 2 किलोमीटर के साथ है ना, क्या आ जाए दिशा, है ना, वो कौन सी राशि बन जाती है, सदिश राशि बन जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। सदिश राशि के जो एग्जाम्पल है, विस्थापन है, विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है, बल, ये आपके क्या हैं एग्जाम्पल हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं, चाल है, दूरी है, बोलो बोलो क्या है, दूरी, द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है, ठीक है, और लंबाई, लंबाई तो लिख लिया, दूरी उरी है ना, और आगे समय हो गया। इनके पास कोई दिशा उशा नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अदिश राशियां हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया है, आ गया है। आओ समझते हैं दूरी क्या होती है। मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, और ये आपका एक बड़ा सा बढ़िया सा एकदम खूबसूरत सा ये आपका घर है, ठीक है, और आपके जो जाने का रास्ता है घर का है ना, वो ये वाला है, ठीक है, आप ट्यू 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 करके है ना, इस रास्ते से अपने घर जाएंगे। लेकिन सुनो, आप ऐसे ही तो जाएंगे खटाखट 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 खटाखट, तो आपके पैरों के द्वारा चली गई पथ की जो लंबाई होती है, पथ की क्या होती है, लंबाई, ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी। तो ये आपका दूरी है, तो जो दूरी होता है इसका मात्रक जो होता है, मात्रक भाई साहब, वो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। ये एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है लिख लेना, यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि होती है, ठीक है, हाँ। आगे नेक्स्ट, आपका जो दूरी होता है ना, ये भाई सुनो ना, मीटर में होता है, इनके पास कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और ये है ना सदिश राशियां नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास केवल केवल है ना लंबाई होता है, मतलब उनका मान होता है कितना होता है, कोई दिशा उशा नहीं होती है। अगला समझते हैं विस्थापन क्या होती है। यही वाला आपका जो घर था ना, ये आप थे, ठीक है, ये आपका होम टाउन था, बढ़िया सा, बढ़िया सा एकदम खूबसूरत सा बनवा रखे हैं आप अपनी, ठीक है, होम टाउन जी है, ठीक है, ये आपका कोई वेट कर रहा है, ये आपका जाने वाला घर का रास्ता था, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जाए ना, ये तो पथ की लंबाई हो गई, क्या हो गई, पथ की लंबाई हो गई है ना, ये जो पथ की लंबाई है यही आपकी क्या है, बोलो, यही पथ की लंबाई आपकी क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। लेकिन बात किसकी हो रही है, विस्थापन के, किसकी हो रही है बात, विस्थापन के। तो देखो ये कहता है कि सर एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी कि न्यूनतम जो दूरी होती है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही आपका क्या होता है, विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन। तो ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच है ना जो नेक, मतलब बहुत नेक सा गैप होगा, बहुत ही कम है ना, सबसे कम वाला गैप लेना है, ठीक है, तो उसी गैप को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। देखिए किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं है ना अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी का मापन होता है ना, वही आपका क्या होता है, विस्थापन, या तो एकदम आसान लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट समझ लेते हैं ना, इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक SI पद्धति में, किसमें, SI में, वो आपका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर भाई साहब, लंबाई जितने भी होते हैं सब आपके मात्रक किसमें होते हैं, मीटर में होते हैं। अच्छा, ये आपका सदिश राशि होता है, यह है एक, कौन सी राशि होती है बोलो ना, सदिश राशि है, कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है, इसमें कह रहा है कि सर किसी छात्र के घर की दूरी विद्यालय से 5 किलोमीटर है, तथा छात्र घर से विद्यालय वापस लौट कर आता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन की क्या करनी है, गणना। सुनना ध्यान से, ये आपका एक छात्र हो गया, ये उसका स्कूल है, ठीक है, वो उसका रास्ता ये था, ठीक है, जाने का, वो ऐसे गया, ये टोटल कितना था, 5 किलोमीटर था, ठीक है, वो यूं आया फिर यूं गया वैसे रास्ते से, ठीक है, आया फिर गया, बताओ प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु भी वही है, क्यों, क्योंकि ए से चला था फिर वहीं पे जाके पहुंच गया, तो
प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों जगह पर है। तो अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी आप कैसे निकालेंगे? तो आप दूरी कहेंगे, सर देखो पांच ऐसे गया था, ठीक है, और फिर पांच और चला आया, तो पांच प्लस पांच कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें? विस्थापन की, ठीक है, तो विस्थापन जो आपका होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया, तो विस्थापन आपका क्या हो गया? 0। विस्थापन क्या हो गया? 0। तो एक चीज ध्यान रखना, विस्थापन आपका क्या हो सकता है? विस्थापन जो है ना, विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है। हो सकता है कब? जब वो जहां से चले वहीं पर आ जाए। पाथ से मतलब नहीं है कैसे कैसे गया था, बस ध्यान रखना जहां से गया था वहीं पर आ जाए, ठीक है। आप अपने स्कूल गए पढ़ने, है ना, फिर अपने घर पे आ गए, दोबारा अपने घर से गए, फिर अपने स्कूल पर, अपने स्कूल से है ना अपने घर पे आ गए, तो वहां पे जो विस्थापन होगा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। मंदिर में क्या होता? घंटा। मंदिर में क्या होता? घंटा। घंटा का मतलब 0, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, दूरी तथा विस्थापन में अंतर समझते हैं। दूरी देखिए क्या होती है, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यह आपकी एक क्या होती है? अदिश राशि। और ये क्या होती है? सदिश राशि। यह शून्य नहीं हो सकता है, कौन? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या हो सकती है? शून्य। अभी करके बताया ना, हाँ। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें अच्छे से आपको बताएंगे, है ना, क्वेश्चन कैसे करते हैं। हाँ, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। वैसे एक समान गति बात करें, है ना, एक समान का मतलब होता है, मान लीजिए ये रास्ता है भाई, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 10 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितने लगते हैं? 5 सेकंड लगते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चले, अगर कोई वस्तु समान अंतराल में है ना, कितनी दूरी चले? समान दूरी चले, फिर समान समय में, अगले समान समय में ना समान दूरी चले, तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। असमान में उल्टा हो जाएगा, समान समय में समान दूरी ना चले, समान समय में समान दूरी ना चले, उसे हम क्या कहेंगे? एक असमान गति कहेंगे। अब बात करते हैं चाल क्या होता है। चाल क्या होता है? देखो जैसे होता ना कि आप अपनी जगह से उठ के चलने लग गए, तो कितने समय में आप कितना दूरी तय किए, है ना। तो अगर मैं बात करूं ना कि एक सेकंड में अगर आप 1 मीटर जाते हैं, एक सेकंड में अगर आप 1 मीटर जाते हैं, तो उसका स्पीड जो होगा ना वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर आप है ना एक सेकंड में 5 मीटर जाते हैं, तो उसका स्पीड कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आप कर रहे हैं, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, ये एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जो चाल होता है आपका, चाल, चाल को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है सर दूरी बटे आपका समय होता है, दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी को एस से डिनोट करेंगे, समय को टी से, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, एस अपान कितना? टी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक बता दो, ये दूरी है, दूरी का मात्रक ध्यान रखेंगे, दूरी का मात्रक बताया था अभी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या लेंगे? सेकंड। क्या लेंगे? सेकंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मीटर अपॉन सेकंड। अच्छा एक चीज सुनो, इस सेकंड को जब ऊपर ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएंगे, पावर क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? चाल क्या होती है? बोलो, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। ये फॉर्मूला लिख के आना, पूरा नंबर मिलेगा आपको, है ना। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है, या आप ऐसे लिख लेना, अदिश, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अच्छा सर, औसत चाल की अगर हम बात कर लेना, तो यह औसत चाल कहता है कि देखो सर, मान लीजिए एक वस्तु ए से बी गया, फिर बी से गया सी, ठीक है, वो यहां से यहां तक दूरी तय किया S1, यहां से यहां तक दूरी तय किया S2, ठीक है। ये T1 हो गया, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में? T1, ठीक है, और यहां से यहां तक आने में कितना लगा? T2 लगा। कितना लगा? T2 कितना लगा बोलो? T2 लगा। अब बात समझना, अब देखो यहाँ पे दो दो टाइम है कि नहीं है, तो यहीं पे जरूरत पड़ती है औसत की। जब एक क्लास में है ना बहुत सारे बच्चे हों, है ना,
और सबके नंबर अलग अलग हों, कोई एक बाहर से आदमी आए पूछे बताओ है ना सभी बच्चों के कितने नंबर हैं, ठीक है, तो क्या सबके आप गिनाओगे? टाइम है उतना, 200-250 बच्चे हों? नहीं है ना, पूरा दिन भर है ना यही करते रहोगे, तो आप वहां पर एक वर्ड बोलोगे कि सर लगभग सभी बच्चों के जो परसेंटेज आए ना वो 75 आए हैं। कितने आए? 75। तो हो सकता है कुछ 75 से कम हो सकता है कुछ 75 से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये जो 75 है ना वो अप्रोक्स है, लगभग सब नियरेस्ट में इसी के हैं, तो न ज्यादा वाला ज्यादा दुखी है न ज्यादा कम वाला ज्यादा दुखी हो, तो और ज्यादा खुश है, हमारे तो ज्यादा बताए गए हैं। हाँ, तो यहां पे आपका है ना औसत जो चाल होता है, औसत चाल, अरे बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो यस सर, क्या लिखना है? यस सर, है ना। औसत चाल जो होता है कहता है सर कुल दूरी और कुल समय का अनुपात होते हैं, कुल समय का क्या होते हैं? अनुपात, ठीक है। वस्तु की औसत चाल कुल तय की गई दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं? के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यहाँ पे छूट गया लिखना औसत, वैसे सही लिखा है, औसत चाल आगे लिख देंगे तो छोटा कुछ नहीं है, वो कहते हैं, ठीक है, औसत चाल ही कहते हैं, ठीक है, या यहां से लिख लो तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देना, औसत चाल कहते हैं, आपकी इच्छा यार। इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, कुल दूरी का मात्रक बोलो क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड, ऊपर जाएगा तो दूसरा मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। यह भी आपका एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना। देखो एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रेन की हमें क्या बतानी है? चाल। तो आप कहेंगे सर देखो चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टे क्या होता है? समय। यहाँ पे दूरी आपको दिया है, दूरी बताना, दूरी को ऐसे डिनोट करेंगे 360 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर है ना समय आपको दिया है, समय, ठीक है, समय कितना दिया है? 6 घंटा टाइम दिया है ना, टी 6 घंटे दिया है, हाँ, ठीक है। तो बात समझो, अगर आप ये रख दो यहाँ पे दूरी की जगह 360 और ये मात्र किसमें है? किलोमीटर में है, बटे समय कितना है? 6 घंटा। कितना घंटा है? 6 घंटा, ठीक है। तो ये कट जाएंगे 6 बार, तो 60 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज सुनना, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 1 किलोमीटर पर सेकंड को है ना, 1 किलोमीटर पर घंटे को है ना, पर घंटे को है ना बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो ध्यान रखना 5/18 से क्या कर रहते हैं? गुणा। 5/18 से क्या करते हैं? गुणा। आप यहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट ये ध्यान रखना अगर आपका है ना आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो आप इसी में है ना जो किलोमीटर पर घंटा है ना उसी में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 होते हैं, ये देखो कैसे आया, ये 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर, बट 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 सेकंड, ठीक है। अब इसी को जब सॉल्व कर लेंगे, ये कट गया कितनी बार? 5 बार, और ये कटा 3 बार, इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर 5 है नीचे 3 का गुणा 6 में होगा, कितना आएगा? 18, ठीक है, मीटर पर सेकंड ऐसे करके आया है। तो इसमें 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अच्छा सर, और आगे देख लो, इसको उड़ा दो 6 से, ये 3 बार और ये कितनी बार? 10 बार, इसका गुणा इसमें होगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल है इसके बाद, वो है ना हम थोड़ा देर में करेंगे, ठीक है, या तो कहो तो कर उड़ा दें। एक छात्र अपने घर से है ना विद्यालय जाने में कितना मिनट लगाती है? 30 मिनट। विद्यालय से घर वापस आने में भी कितना मिनट लगाती है? 30 मिनट। मतलब एक छात्रा है जाती है अपने स्कूल में पढ़ने, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय जो T1 लगता है वो 30 मिनट लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में T2 भी समय कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। अच्छा, यदि उसके विद्यालय से घर की दूरी 5 किलोमीटर हो, ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये S डिस्टेंस हो गया S1, ठीक है। तो बताइए औसत चाल क्या होगा? देखो एक बार गई तब चाल आया होगा, एक बार फिर आई फिर चाल आया होगा, ठीक है। तो भाई पहले नंबर तो हम निकाल लेते हैं, कितना दूरी चली? कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बताओ कैसे निकालेंगे? देखो यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, 5 इधर गया 5 इधर आया, कुल दूरी कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा, ये आपका एस टोटल हो गया, ठीक है। और समय कुल अगर हम समय की बात करें, कुल समय,
ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे कुल समय की अगर हम बात करें तो टी टोटल तो आपका है ना 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये प्लस 30 मिनट, ये बताओ कितना आया 60 मिनट। 60 मिनट को क्या कहते हैं, एक घंटा ही तो कहते हैं। कितना घंटा लग गया, एक घंटा। तो अगर आप है ना क्या निकालना चाहते हो, औसत चाल, पहले औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल, औसत चाल क्या कहता है, देखो ध्यान से भी पढ़ाया था। औसत चाल कहता है कुल दूरी ऊपर रख दो, कुल समय किधर रख दो, नीचे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, रख करके है ना मान रखो और सॉल्व करो। कुल दूरी कितनी थी, 5 उधर गए, 5 उधर, 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, और समय कितना लगा था, 1 घंटा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आएगी जाएगी लड़की। ठीक है, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, इसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे बोलो, इसी में आप गुणा कर देंगे, किससे, 5/18 से, इंटू ये बदल जाएंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको 2 से गुणा दो, 5 बार, और ये 9 बार, इसका इसमें गुणा होगा 25/9 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद है ना इसमें पूछा एक और क्वेश्चन था, इसमें और एक क्या था, एक और न्यूमेरिकल था। देखो औसत वेग निकालना है, क्या निकालना है, औसत वेग। आप बताओ है ना इसका कुल विस्थापन कितना होगा, कुल विस्थापन, देखो वेग जब बात होती है ना तो विस्थापन आता है, विस्थापन, जो कुल विस्थापन होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां से आए या फिर वहीं पे आ गया, तो विस्थापन क्या होगी, 0। जब विस्थापन 0 होगी ना तो उसका औसत वेग भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि औसत वेग अभी पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन ध्यान रखें कुल विस्थापन बटे टोटल समय होता है, तो ये आपका 0 है ना, और 0 में किसी भी नंबर से आप भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका जो 0 आएगा वो 0 तो 0 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं वेग क्या होता है। जैसे आपका चाल था एकांक समय में हुए, मतलब जो एकांक समय में है ना वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी थी वही आपका क्या था, चाल, वैसे यहाँ पर भी है एकांक समय में हुए वस्तु के द्वारा विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये जो वेग होता है आपका, ये कहता है सर विस्थापन बटे समय होते हैं, विस्थापन बटे समय होते हैं, क्या होते हैं, समय। वेग को हम बी से डिनोट करेंगे, बी, विस्थापन को एस से, समय को किससे, टी से। अंतर ये होता है ना, ये इसका जो मात्रक है, मात्रक भी दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, या दूसरा मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स होगा। अगर हम बात करें है ना, सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, ये आपका एक सदिश राशि होता है, यह है एक सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आनी चाहिए, यह एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। आई होप इसको हटा दूं, हाँ। औसत वेग आप समझ लेते हैं ना, औसत वेग सेम वैसे ही है, ये कह रहा है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। इसका मतलब भैया क्या होगा, औसत वेग जो आपका होगा, ठीक है, ऊपर आपको रखना पड़ेगा कुल विस्थापन को, किसको रखना पड़ेगा, विस्थापन को, किसको बोलो ना, विस्थापन को, और नीचे क्या रखना पड़ेगा, अरे बता दो यार इस जमाने को, कुल समय को, किसको रखना पड़ेगा, कुल समय को, है ना। इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, वो भी मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, या मीटर पर मीटर सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है, मीटर, ठीक है, सेकंड इनवर्स, ये माइनस नहीं है, डैश है। ठीक है, अगर हम बात करें, यह एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, अगर आपको औसत वेग निकालना है तो औसत वेग है ना वी एवरेज जो आएगा, ठीक है भाई, कुल विस्थापन, मान लीजिए पहला विस्थापन, दूसरा विस्थापन, तीसरा विस्थापन, तो समय भी लगा होगा T1 + T2 + T3। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, औसत वेग निकाल लेंगे, है ना, ऊपर कुल विस्थापन रखना है, नीचे क्या रखना है, कुल समय, मीटर पर सेकंड में अंतर आ जाएगा। आगे बात करते हैं ना वेग और चाल में अंतर, वेग और चाल में क्या अंतर निकालते हैं। देखो वेग जो होता है एक सदिश राशि होती है, जबकि चाल क्या होता है, एक अदिश होता है। वेग जो होता है ऋणात्मक धनात्मक सब हो सकता है, है ना, लेकिन चाल जो होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। औसत वेग आपका क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है,
लेकिन वस्तु की औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। अभी एक न्यूमेरिकल किया था ना, औसत वेग उसमें क्या आया था, शून्य, लेकिन औसत चाल शून्य नहीं आई थी। ठीक है, अच्छा सर बात करें त्वरण, आओ त्वरण। ठीक है, त्वरण जानते हैं क्या होता है, गाड़ी चलानी आती है ब्रुम ब्रुम ब्रुम, ठीक है, जब आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ना, ठीक है, तो गाड़ी कहता है कि कहाँ ले जाना है बताओ। ठीक है, जैसे आप गियर लगाते हो, ठीक है, तो तुरंत वो आगे बढ़ना चालू कर देता है ना। तो कर क्या रहा है, पहले आप रुके थे, अब बाद में आगे आप जाने लगते हैं। ठीक है, तो आपका आगे जाना है ना, और इसके सहारे जब तक ये ऐसे करके रखते हैं तो बताओ आपके स्पीड में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, वेग परिवर्तन, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नहीं आया समझ में, फिर से सुनो, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से बना एक्सेलरेटर, जो उसको त्वरित करा सके, गति करा सके, है ना, वेग में क्या करा सके, परिवर्तन। ध्यान रखना, जो आपका त्वरण होता है कहता है कि सर अगर वेग परिवर्तन है कहीं समय के साथ, ठीक है, वेग परिवर्तन का मतलब हो सकता है वेग समान हो लेकिन उसकी दिशा बदल रही हो, दिशा बदली तो त्वरण है, और वेग में परिवर्तन हुआ तब भी क्या है, त्वरण। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो त्वरण होता है कहता है कि वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण उसे नहीं कहना जो वेग वेग परिवर्तन में ना हो। नहीं आया समझ में, फिर से सुन लो, त्वरण उसे नहीं कहना जहां वेग में परिवर्तन ना हो, जहां वेग में परिवर्तन ना हो। सही से सुनो, गलत बोला हूं अभी, मैं चेक कर रहा था, ठीक है, एक्टिव हो पूरी तरह से, फिर से सुनो, त्वरण उसे नहीं कहना जहां वेग में परिवर्तन हो। ठीक है, त्वरण उसी को कहेंगे जहां क्या होगा, वेग में परिवर्तन, और तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसके वेग में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आपका जो त्वरण होता है ये कहता है सर, ए से शो करते हैं, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ठीक है, बटे समय अंतराल होता है, बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है, क्या होता है, समय अंतराल। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये गाड़ी थी, पहले स्पीड कम था, बाद में जैसे त्वरण आता है स्पीड बदल के कितनी हो जाती है, वी, तो यहां से यहां तक समय लगा ना, कितना लगा, टी लगा, कितना लगा, टी। वेग में परिवर्तन कितना था, मान लीजिए पहले 3 था बाद में 10 हो जाता है, बहुत पूछू है ना कितना परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे कितना हुआ, 7, कितना हुआ, 7, तो 10 माइनस 3 ही तो किया है, तो वैसे बी माइनस यू लिखेंगे। परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, बी माइनस यू अपान समय अंतराल, यहां से यहां तक समय कितना लग गया, टी, तो इसको ए के बराबर लिखेंगे, है ना। इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है, बोलो ना, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है, जिसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट त्वरण के प्रकार समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं आपको पहले, ठीक है, देखिए जो त्वरण होता है ना, आप जानते हैं बाइक जब चलाते हैं ना बाइक, ठीक है, तो आप जब एक्सेलरेटर लेते हैं ना तो स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसको कहते हैं त्वरित। क्या कहते हैं, त्वरित, क्या कहते हैं, त्वरित, एक्सेलरेटेड। ठीक है, लेकिन जब एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है, तो उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण को है ना दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक त्वरित होता है, क्या होता है, त्वरित, ठीक है, त्वरित, ये थोड़ा गलत लिखा है, त्वरित, ठीक है, और एक होता है आपका मंदन। ठीक है, मंदन, ठीक है, त्वरित में क्या होता है, वेग में वृद्धि होती है, वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है समय के साथ, और मंदन में क्या होता है, समय के साथ वेग में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, जैसे कोई ब्रेक लगाया है ना, तो ब्रेक लगाने पर क्या होता है, स्पीड बढ़ता है नहीं ना, स्पीड घटती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, मंदन। ठीक है, और जहां पे है ना त्वरित होगा वहां पे वेग में वृद्धि होगी, और जहां वेग में वृद्धि होगी वहां पे ए का मान धनात्मक लेंगे, कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, है ना, ए का मान पॉजिटिव होगा।
और आगे अगर हम बात करें जहां पे मंदन होगा वो ए आपका ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और ए का मान आपको ध्यान रखना है निगेटिव में लेना है, ठीक है। अब ऐसी थोड़ी सी और बात करते हैं, अब ऐसा है ना, हो सकता है ऐसे करें तो स्पीड आपका अलग तरह से बदलेगा, समझ में आया ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं त्वरण के प्रकार। पहला है आपका एक समान त्वरण, अगर वस्तु के है ना, यदि वस्तु का समान समय में समान वेग परिवर्तित होता है, जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हुई तो अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड की अगर वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। तो इसे वस्तु का क्या तो कह सकते हैं ना, ये वस्तु है ना एक समान त्वरण में है, लेकिन इसी का उल्टा हो जाए, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो उस समय में है ना समान समय में है ना समान नहीं परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है 1 सेकंड में आपने कम ऐसे किया और 1 सेकंड में ज्यादा ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा असमान त्वरण, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। अब आगे बात करें गति के समीकरण, ठीक है। देखो बात समझो पहले, जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे सीखना है। ये मान लीजिए आपका कार है, कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक जो वेग है वो यू है। आप चल रहे थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चल रहे थे, और आपका जो प्रारंभिक वेग था कितना था, यू, किसी टाइम पर, ठीक है। और मान लेते हैं आपके ऊपर लग गया त्वरण, क्या आया, त्वरण। ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब कुछ समय के बाद चलते 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 त्वरण है तो बताओ वेग में क्या करने वाला है, परिवर्तन, क्या करने वाला है, परिवर्तन, बोलो बोलो ना बोलो, अरे यार बोल दो ना, वेग में क्या होगा, परिवर्तन। और वेग बदल करके है ना क्या हो गया, यू से क्या हो गया, वी। तुम तो मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, बदल गया, त्वरण था ना, हाँ समझना था, कहीं तुम मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। आओ देखो 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 फटाफट, यहां से यहां तक आने में है ना समय कितना लगा, टी, कितना समय लगा, टी, ठीक है। तो पहले सुनो, एक गाड़ी थी आपकी है ना, उसके पास कुछ स्पीड था, हो सकता है रुका हो, तो रुका होगा तो यू का मान क्या लेंगे, 0, ठीक है। और त्वरण जब लगा, आपने एक्सीलेटर दबाया, तो उसका है ना कुछ समय के बाद, टी समय के बाद वेग कितना हो जाता है, बी, और यहां से यहां तक दूरी चल जाता है कितना, एस। तो पहले समझो, ए को अगर हम बोल दें त्वरण, क्या बोल दें, त्वरण, ठीक है। बी को, यू को है ना, यू को बोल दें प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग, बोलो बोलो, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग। और जो आपका वी है ये अंतिम वेग है, कौन सा वेग है, अंतिम, अरे है ना अंतिम वेग, रट क्यों रहे हो, अंतिम वेग। और टी आपका क्या है, समय, टी क्या है, समय, ठीक है। और एस क्या है, विस्थापन, विस्थापन। तो ध्यान रखना इनमें कुछ संबंध होता है, गति के 3 समीकरण होते हैं, कितने समीकरण होते हैं, 3। तो गति के प्रथम जो समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण, गति गति के प्रथम समीकरण, ठीक है। गति का जो प्रथम समीकरण है वो कहता है कि आपसे बी बराबर यू प्लस ए टी होते हैं, यू प्लस क्या होता है, ए टी, बोलो बोलो, बी बराबर यू प्लस ए टी, 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 बी बराबर यू प्लस ए टी। और सेकेंड जो आपका है गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, ठीक है। ये जो द्वितीय समीकरण होगा, द्वितीय समीकरण वो आपका होता है एस बराबर यू टी, टी है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, एस आपका विस्थापन है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय, ए आपका क्या है, त्वरण। और तृतीय जो समीकरण है, कौन सा समीकरण, तृतीय गति के तृतीय समीकरण, ठीक है, लिख लेना। समीकरण जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो यहां पर है ना ये 3 समीकरण आपको याद रखना है, बी का मतलब अंतिम वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, ए का मतलब त्वरण, टी का मतलब समय, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी गाड़ी चलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे नोड बिंदु, जब कहीं बोल रहे हैं ना विरामावस्था, विरामा विरामा विरामावस्था, ठीक है। विरामावस्था का मतलब होता है रेस्ट पर होगा, किस पर होगा, रेस्ट पर। तो उस समय ना प्रारंभिक वेग 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0।
अगर कहीं ब्रेक लगाया जाए, क्या लगाया जाए, ब्रेक, ध्यान रखना, अगर कहीं ब्रेक लगाया जाए ठीक है, तो उस केस में ऐसा होगा जब आप ब्रेक लगाएंगे तो एक टाइम जाकर के रुकेगा ना गाड़ी, तो अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अंतिम वेग उस केस में क्या लेना है, जीरो। तो इन कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ठीक है। अगर एक चीज और बता दूं, यहां तक समझ में आया ना, अब आगे अगर बात करूं मैं थोड़ा सा ठीक है, गुरुत्व के अधीन, के अधीन अधीन गति ठीक है। तो देखो अगर कोई चीज है ना ऊपर आप फेंकोगे तो आप जानते हो एक टाइम ऐसा आएगा इसका स्पीड है ना यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक है, तो ये कुछ हाइट चला जाएगा ऊपर h, इसी को विस्थापन कहते हैं s ठीक है। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, हाँ बिल्कुल होगा ठीक है, और यहाँ पे त्वरण भी होगा जिस वजह से इसका स्पीड घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा है ना। देखो नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्पीड घटती है, क्यों, त्वरण की वजह से, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम करता है, जी जो होता है ना आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय, ये थोड़ा गलत, गुरुत्वीय क्या होता है, त्वरण होता है, बोलो ना क्या होता है, त्वरण ठीक है। तो ये हमेशा है ना नीचे काम करता है, तो ध्यान रखना ऊपर जाएंगे ऊपर गति में, ध्यान रखेंगे ये है ना, जी का मान है ना 9.8 होता है वैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस का लेना है ठीक है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो कैसा लेंगे, माइनस का, अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे है ना नीचे की ओर गति, तो जी का मान कैसा होगा, प्लस का 9.8। अच्छा कुछ बुक में है ना मीटर पर सेकंड, कुछ बुक में है ना इसी को 10 के बराबर में ले लेते हैं लगभग लगभग, अगर दे दें तो ले लेंगे, नहीं तो फिर यही रखेंगे ठीक है, यहाँ पर भी ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका किसका मान आया, जी का मान आया ठीक है भाई। अच्छा अब आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और बात करते हैं आपसे, तो इनके जो समीकरण लिखे जाएंगे ना, पहला समीकरण बी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना, तो ए की जगह आपका जी होगा क्योंकि ये त्वरण ही तो है, तो जी टी हो जाएगा, समझ में आया ना। और सेकंड जो समीकरण होगा वो एस की जगह क्या लिखेंगे, देखो ना एस की जगह एच है, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर हम थर्ड की बात करें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होगा ठीक है। तो यहाँ पे जी का मान आपका निश्चित है, ये आपको रखना ही रखना है ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक वस्तु विरामावस्था में है, ये गाड़ी है आपकी, ये कोई वस्तु है, विरामावस्था का मतलब बताया था ना प्रारंभिक वेग क्या लेना होता है, जीरो, क्या लेना होता है, जीरो बताया था ना, प्रारंभ विरामावस्था में वस्तु का जो स्पीड होता है प्रारंभिक क्या होता है, जीरो ठीक है। अब आगे विरामावस्था से 5 सेंटीमीटर सेकंड के एक समान, यहाँ पे स्क्वायर है ठीक है, स्क्वायर कर लेना आप ठीक है, लिखा नहीं है, एक के एक समान त्वरण से, त्वरण का मान दे दिया, त्वरण क्या होता है, ए का मान दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक सरल रेखा में चलना आरंभ कर दिया, कितनी देर में ठीक है। अब यहाँ खटखट खटखट चलती चलती इसका स्पीड है ना, वेग का मतलब स्पीड, फाइनल स्पीड कितना हो जाता है, 50 सेंटीमीटर बोला है पर सेकंड, ये मीटर में नहीं है, ये आपका सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेंगे और क्या, कितने समय में है ना वह वस्तु के इतने समय में कितनी दूर जाएगी, पहले नंबर तो पूछा गया कितनी देर में वस्तु का स्पीड इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद है ना कितना ये दूर जाएगी, टाइम भी निकालना है और विस्थापन भी निकालना है, तो चलो पहले टाइम निकालते हैं। आप जानते हैं पहला समीकरण प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से ठीक है, क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी ठीक है, बी का मान कितना है 50 सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं ना आंसर 50, यू का मान कितना है बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, यू का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 5 × t, काट देंगे इसको कितनी बार, 10 बार, तो 10 बराबर इधर ही इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 बार, 1 का गुणा t में होगा तो t ही आएगा, तो t बराबर कितना आया 10 सेकंड आया, कितना आया 10 सेकंड ठीक है। तो ये जो हमने किया है ये टाइम आ गया आपका, समय आया है, क्या आया है, समय। अब हम निकालते हैं ना दूरी, दूरी निकालने के लिए आपके पास भाई देखो तीन समीकरण है, तीन समीकरण में से दो समीकरण में दूरी है, दो समीकरण में क्या है, दूरी, तो आप सेकंड वाला लगा दो क्वेश्चन है ना द्वितीय समीकरण से ठीक है,
द्वितीय समीकरण से लिख लेना, ठीक है। आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ, सबको याद होना चाहिए है ना, पहले याद कर लो। एस बराबर भाई दूरी ही तो निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 था इंटू टी, टी का मान कितना आया था 10 सेकंड, 10 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है बोलो ना, ए की वैल्यू 5, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम 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 कितना आया था 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो सुनो ये तो आपका 0 हो गया, हाफ 5 × 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसका गुड़ काट देंगे 50, बार 5 का गुड़ा 5 में होगा बोलो ना कितना आएगा 25, और 1 0 है तो 250 सेंटीमीटर होगा, तो कितना दूर चलेगा ये 250 सेंटीमीटर दूर चलेगा, मीटर में होता तो 250 मीटर लिखते हैं और क्या। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक कार है आपका ये है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसको बदल लेंगे ना, प्रारंभिक वेग आपको दे दिया, यदि कार को ब्रेक लगाने पर, अरे ब्रेक लगा दिया गया हो है ना, तो अंतिम स्पीड क्या हो जाएगी 0, क्या होगी 0, तो m/s² का मंदन उत्पन्न होता है, मंदन का मतलब त्वरण ही तो है, त्वरण बताया था ना दो टाइप के होते हैं, एक आपका त्वरित होता है एक मंदन, मंदन के केस में त्वरण का मान क्या बताया था ऋणात्मक लेते हैं, तो पहले नंबर तो यू का मान लिख लो कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है इस किलोमीटर को बदल देंगे किसमें बोलो ना, अरे बदल दो यार है ना, 36 को बदल दो मीटर में, 5/ किससे गुणा कर देते हैं 18 से, m/s² स्क्वायर कह रहा हूँ, ये कट देंगे ना 2 बार, तो u बराबर 2 का गुणा 5 में होगा कितना आएगा 10 m/s, यदि कार को ब्रेक लगाने पर a का मान कितना है 0.5 m/s² ए का मान, बट ये ध्यान रखना कैसा लेना, माइनस ब्रेक लगाया गया है, तो कार जब विरामावस्था में आती है मतलब स्पीड जब 0 होता है तो आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगी, एस निकालना है, क्या निकालना है एस, जो समय की बात किया नहीं किया ना तो मत निकालो समय, थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन में समय नहीं होता है, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से ठीक है, तो देखो तृतीय समीकरण क्या होता है b² = u² + 2as, s विस्थापन ही तो निकालना है, तो b का मान बोलो कितना है अंतिम वेग 0, u का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, a का मान बोलो कितना आया था माइनस के 0.5, अब s आपको निकालना है, देखो एक मिनट ये 0 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा माइनस, 2 का गुणा 0.5 में होगा, 1 आएगा ना इंटू एस, इनको है ना इधर भेज देंगे, 1 का गुणा एस में करेंगे एस होगा ठीक है, इसको इधर भेजेंगे एस आएगा 100, आपका आपके पास है ना कितना आ गया 100 मीटर आ गया, तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया, तो आप इतने देर तक इस वीडियो को देखे तो आपको बहुत बड़ा वाला क्या जे थैंक यू, ठीक है तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में है ना, उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन के क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ग्राफ ग्राफीय विधि को भी देखेंगे है ना, ग्राफीय विधि इसमें नहीं डिस्कस किया, ऐसा होता है कि जब ग्राफीय विधि अगर इसमें डिस्कस करते तो बच्चे के समझ में नहीं आता, तो अब अगले क्लास में देख लेते हैं ना, तो आप मस्त रहिए खुश रहिए है ना, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।